Joaquin, dove andiamo? A sushi! Dove? A giapponese. Giapponese, umi. Sì, umi. Bene, ciao. Ciao. Bye. Bye. गाइस नमस्ते सलाम सताल आदाब वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे खुश होंगे मज़े से होंगे और अ विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू नया साल सबको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो तो नए साल के आगाज़ के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा नए साल का पहला व्लॉग जिसमें कि हम गए हैं खाना खाने के लिए जपनीज़ रेस्टोरेंट में रिश्तोरते जब पो कहते हैं इटालियन में तो ये थोड़ा सा आप देखिए जापानीज़ रेस्टोरेंट का लुक कैसा है यहाँ पे सुशी बन रही है तो खाना जब हम खाने के लिए एंटर किए हैं अंदर उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा विजिट करवा देती हूँ यहाँ का आ, ये एंट्रेंस में इन्होंने बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा एक ट्री लगाया हुआ है सिल्वर एंड गोल्डन मिक्स करके और उसके बाद एंट्रेंस के पास ही हमारा ये टेबल दिया उन्होंने हमें और बहुत ही पीसफुल सा पॉजिटिव वाइब्स वाला इन्वामेंट था बड़ा ही अच्छा लग रहा था और कोविड के कारण जैसे बहुत ज़्यादा इटली में हो रहा है अभी ज़्यादा तो उस हिसाब से उनका सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बहुत ज़्यादा था ग्रीन पास के साथ ही एंट्रीज थी सभी को भी पता ही होगा जैसे कि टू और थ्री डोज के बाद ये भी एंट्री होती है बड़े अच्छे बुद्धा की उन्होंने मूर्ति लगाई हुई थी और ये जैपनीस डॉल जो बड़ी प्यारी लगती है सबकी अपनी अपनी डॉल्स बनाते हैं ना वो तो ये बहुत प्यारी लग रही थी तो बस अब हम खाने का इंतज़ार कर रहे हैं भूख लगी हुई है और हमने हमारा ऑर्डर कर दिया है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह व्लॉग आपको मेरे नए साल का अच्छा लगेगा आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल वेशलिस्ट विद निधि को एंड लीव योर प्रेशियस कॉमेंट्स इंतजार की घड़िया खत्म हो गई और हमने जो खाना ऑर्डर किया हुआ था वो आ गया है सबसे पहले सैलड एंड अलग अलग टाइप के सैलड थे <laughs> तो एक ऑर्डर जो थोड़ी सी आम, होती है रॉ फिश में सैलमन में और मैंने तो दूसरा ही खाया जो मुझे अच्छा लगता है जो शिम्स एंड ऑक्टोपस वाला तो ये बहुत फ़नी था मोमेंट मैं और जो अकििन बहुत ज़्यादा मेरा बड़ा बेटा इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि मैंने ना जानबूझ के फोक्स नहीं मांगे उनसे जो स्टिक्स होती हैं जैपनीज़ वाले ना हम उन्हीं से ही खा रहे थे थोड़ा टाइम पास भी हो रहा था उस चीज़ से और मज़ा भी आ रहा था और मेरा बेटा भी कह रहा था कि बड़ा अच्छा लग रहा है हम स्टिक्स से ही खाएँगे <laughs> जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो थोड़ा शौक़ पूरा करने के लिए हमने खाया पर बाद में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी पर कंटिन्यू हमने उसी से ही किया थोड़ा बहुत आई थिंक हाँ फोक्स से भी खाया फील समथिंग डिफरेंट मोस्ट ऑफ द फूड हमने स्टिक से खाया लखन लखन ज़ गाइस जो जो भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ना वो मेरी ये वाली सिंगिंग सुनने के बाद मुझे अनफॉलो मत कर दीजिएगा प्लीज़ बेयर वे दिथ क्योंकि समटाइम जब मैं वेरी हैप्पी एंड इमोशनल होती हूँ ना तो ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ें एक्टिंग वाली मैं करने लग पड़ती हूँ और बस ये आधा फूड कह लीजिए एपर्टाइज़र कह लीजिए हमने खाए तो उसके बाद थोड़ी सी शांति आ गई फिर मन कर रहा था कि अब हम थोड़ा बहुत इंजॉय करें बातें करें और रेस्टोरेंट को थोड़ा सा घूमें एक्सप्लोर करें और, और खाना ऑर्डर करें सो so गाइज़ जो जैपनीज़ एंड रेस्टोरेंट होते हैं या चाइनीज़ रेस्टोरेंट होते हैं इनका हिसाब जो इन्होंने लंच और डिनर का रखा होता है ना तो आपने लाइक like ऑर्डर करना है पहले थोड़ा सा फिर ट्राई करना है फिर और खाना है फिर रुकना है फिर थोड़ी सी बातें करनी है फिर खाना है थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है और साथ में खाना भी खाते हैं इस चक्कर में बंदा खाना भी कुछ ज़्यादा ही खा लेता है वैसे इतना हैवी एंड इनका फ्राइड जब वगैरह तो नहीं होता फूड आप लोगों ने सबने ट्राई किया ही होगा आजकल तो सबका फेवरेट ही हो गया है जैपनीज एंड चाइनीज़ जो फूड होता है तो मुझे इनकी जो ये सुशी होती है ना इन्हें तेंपूरा कहते हैं ये मेनू में तेंपूरा लिखा होता है मेरे साथ जब मैं पहली बार गई थी ना तो मैं उनको बोल रही थी तेंपूरा ऑर्डर किया मैंने आया ही नहीं तेंपूरा ऑर्डर किया क्योंकि मेरे माइंड में आई डोंट नो क्या था तेम्पूरा क्या है तो वो एंड में आके मुझे कहती मैम यही है थे पूरा हमने आपने ऑर्डर किया और हम कितनी बार दे गए हैं आपको तो मतलब अच्छा था एवरकेडो वाला मैंगो वाला और श्रीम वाला सुशी तो सारे हमने थोड़े थोड़े से ट्राई किए कुछ फ्राइड फूड था कुछ बॉयल्ड था मतलब यम लगा और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया हमारा आप लोग सब लोगों का नया साल कैसा गया है और कैसा टाइम स्पेंड किया है आप लोगों ने आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये मेरा जो बड़ा बेटा है ना ये बहुत शौकीन है जैपनीज एंड चाइनीज़ फूड का तो ये तो खूब इन्जॉय कर रहा था तो काफ़ी सारा खाना खाने के बाद लाइक कह सकते हैं अद्धा टिड्ड परंतु बाद हम थोड़ा सा चिल मार रहे थे दोनों भाई इन्जॉय कर रहे हैं अपना फ़ोन पे थोड़ा सा और हमने सोचा थोड़ा सा ट्री के साथ इंजॉय एंड फोटो सेशन हो जाए तो वहाँ पे भी फिर थोड़े से आम, क्लिप्स लेने के लिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने ये क्लिप्स लिए हैं थोड़े बहुत फैमिली टाइम के असल में ये जो तरीका है कि पहले थोड़ा सा खाना ऑर्डर करें फिर वेट करें फिर थोड़ा सा खाना ऑर्डर करें देखिए आपको क्या अच्छा लगता है आपके अकॉर्डिंगली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से बंदा खाना ज़्यादा खा लेता है या कम खाना खाता है तो मुझे आई डोंट नो क्या आइडिया है क्या नहीं इसके बारे में तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा ये देखिए कितना यमी यमी सा फ़ूड सारा इकट्ठा आ गया और फिर हमने खूब इन्जॉय किया तो हमने मोमोज़ भी ट्राई किए जिसे हम सब लोग मोमोज़ कहते हैं वेज मोमोज भी होते हैं चिकन मोमोज एंड मीट बॉल्स मोमोज तो सभी तरीके के थे हमने ऑर्डर किए और ये लोग जो इटालियन में होते हैं इसे हम कहते हैं रविओली और इंग्लिश में तो हम सब इसको मोमोज़ ही कहते हैं कुछ लोगों को पसंद होते हैं क्योंकि बॉयल्ड होते हैं और कुछ लोगों को जो होते हैं ये स्टीम में बने होते हैं और कुछ लोगों को नहीं पसंद होते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं हमने ट्राई करने के लिए ज़्यादा नहीं खाए थोड़े बहुत खाए और उसके बाद पेट काफ़ी ज़्यादा भर गया था तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा नए साल की सेलिब्रेशन का जो फर्स्ट व्लॉग है 2022 का आप लोगों को अच्छा लगा होगा आपने भी अपना नया साल खूब एंजॉय किया होगा तो आने वाले साल में सबको बहुत अच्छी हेल्थ बहुत अच्छी स्टडीज़ बहुत अच्छी लाइफ के लिए मैं दुआएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे फ्रेंड्स आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं मेरा हैशटैग है जो है विशलिस्ट विद निधि और टिकटॉक के ऊपर मैं पंजाबी में बड़ी ही एक्साइटिंग वीडियोज़ शेयर करती हूं आप चाहें तो जो इंडिया से बाहर है मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं निधि वालिया नाइन है जो मेरा प्रोफाइल है टिकटॉक का तो हम मिलते हैं फ्रेंड्स अब किसी नए ब्लॉग में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आईज़ बाय बाय टेक केयर